कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम की कमान संभालने जा रहे डीके शिवकुमार को कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने गुरुवार को बधाई दी। उन्होंने दोनों नेताओं को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, सिद्धारमैया को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एवं डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में कर्नाटक के विकास को एक नई दिशा एवं गति मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है। सचिन पायलट की ये बधाई इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने हाल ही में पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जंग संघर्ष यात्रा निकाली थी। इसके अलावा शिवकुमार की तरह ही पायलट के बारे में भी कहा जाता है कि वो राजस्थान के सीएम बनना चाहते थे लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा था, बाद में इन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। दरअसल कांग्रेस ने 3 दिनों की मैराथन बैठकों और गहन मंथन के बाद ऐलान किया कि कर्नाटक की कमान सिद्धारमैया संभालेंगे। वहीं प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर होंगे। बेंगलुरु में 20 मई को शपथ ग्रहण का आयोजन होगा। बता दें कि कर्नाटक की 224 सीट के लिए 10 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल करते हुए 135 सीटें अपने नाम की, जबकि बीजेपी 66 और जेडीएस 19 पर सिमट गए। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में भी पायलट वर्सेस गहलोत की जो लड़ाई चल रही है उसमें पायलट आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर पायलट कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत सरकार गिरने का है। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।